हेलो दोस्तों, स्किल सिविल की ये वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वाटरप्रूफिंग। उसमें भी जो सबसे क्रिटिकल है वो है बेसमेंट का वाटरप्रूफिंग, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कंसेप्ट है वाटरप्रूफिंग के बारे में वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक पूरा देखें, क्योंकि हम इस चैनल पर सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड नए नए वीडियोस लाते रहते हैं जो फुल प्रैक्टिकल एंड नॉलेज से भरे हुए होते हैं। सबसे पहले जानेंगे वाटरप्रूफिंग क्या होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर को वाटर रेजिस्टेंट बनाने के पूरे प्रोसेस को हम वाटरप्रूफिंग कहते हैं। अगर आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि बेसमेंट, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, फ्लैट में किचन, टॉयलेट इत्यादि, और इन सबकी वाटरप्रूफिंग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से की जाती है। मार्केट में भी जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वो सबके लिए अलग अलग है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि डैम प्रूफिंग क्या होती है एंड वाटरप्रूफिंग क्या होती है, आखिर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। पहले ये जानते हैं, कोई भी जगह पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से पानी जो लिक्विड स्टेट में पेनिट्रेट कर जाता है उसको रोकने के लिए जो की जाती है वो होती है वाटरप्रूफिंग। सीपेज और कैपिलरिटी एक्शन की वजह से जो पानी पेनिट्रेट कर जाता है ह्यूमिडिटी और डैम्पनेस के फॉर्म में जो बहुत कम मात्रा में होता है उसे हम डैम्प प्रूफिंग बोलते हैं। वाटरप्रूफिंग जनरली दो टाइप की होती है, एक रिएक्टिव एंड दूसरा नॉन रिएक्टिव। रिएक्टिव वाटरप्रूफिंग वो होती है जिसमें वाटरप्रूफिंग केमिकल पानी के कॉन्टैक्ट में आते ही रिएक्शन देता है। कंक्रीट कास्टिंग के दौरान होने वाली क्रिस्टलाइन वाटरप्रूफिंग इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। रिएक्टिव वाटरप्रूफिंग में कंक्रीट कास्टिंग के दौरान ही वाटरप्रूफिंग केमिकल के स्पेसिफाइड रेशियो को कंक्रीट के साथ मिक्स कर दिया जाता है। बाद में क्योरिंग पीरियड पूरा होने पर 7 दिन के बाद जब भी वाटर इस केमिकल के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये जेली या फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और बाद में किसी भी वाटर को पेनिट्रेट नहीं करने देता। जनरली स्लैब में और रिटेनिंग वॉल के कास्टिंग के दौरान ही इस तरह की वाटरप्रूफिंग की जाती है। दूसरा होता है नॉन रिएक्टिव वाटरप्रूफिंग, जो पानी के कॉन्टैक्ट में आने से कोई रिएक्शन नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल टैपक्रिट का नाम तो आपने सुना ही होगा, वो इसका एक अच्छा उदाहरण है। नॉन रिएक्टिव वाटरप्रूफिंग को दो विभागों में बांट सकते हैं, एक सिंगल कंपोनेंट सीमेंटिशियस वाटरप्रूफिंग और दूसरा टू कंपोनेंट सीमेंटिशियस वाटरप्रूफिंग। सिंगल कंपोनेंट सीमेंटिशियस वाटरप्रूफिंग की बात करें तो इसमें इलोंगेशन, टेंसाइल स्ट्रेंथ, एडेशन जैसी प्रॉपर्टीज टू कंपोनेंट सीमेंटिशियस वाटरप्रूफिंग के केमिकल से ज़्यादा होती है। तो बिल्डिंग का जो एरिया ओपन टू स्काई रहता है वहाँ पर ज़्यादातर इस तरह की वाटरप्रूफिंग की जाती है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर सेसिस के कारण स्ट्रक्चरल मेंबर में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। बाकी जहाँ पर स्पान छोटा होता है, जैसे कि बाथरूम हो गया, किचन, स्विमिंग पूल, वाटर टैंक इत्यादि जगह पर टू कंपोनेंट सीमेंटिशियस वाटरप्रूफिंग कर सकते हैं। अगर ज़्यादा इलोंगेशन, टेंसाइल स्ट्रेंथ, एडेशन वाले केमिकल का उपयोग बाथरूम किचन में किया जाए तो ये बाद में फट जाता है और लीकेज का कारण बनता है। आपको मार्केट में टू कंपोनेंट सीमेंटिशियस वाटरप्रूफिंग के ढेरों प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें मेन रोल पॉलीमर का होता है और उसमें सीमेंट मिलाया जाता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी नामचीन कंपनियों ने सीमेंट की जगह अपने ही फिलर या पाउडर को मार्केट में अवेलेबल कराया हुआ है। ये टू कंपोनेंट सीमेंटिशियस वाटरप्रूफिंग में पॉलीमर और फिलर को मिक्स करने के बाद इसको रोलर या स्प्रे की मदद से लगाया जाता है। रिटेनिंग वॉल के पॉजिटिव साइड के केस में ये बेहद ही अच्छी वाटरप्रूफिंग मानी जाती है, जो बाद में हम वीडियो की मदद से बेहद अच्छी तरह से जानेंगे। सिंगल कंपोनेंट सीमेंटिशियस वाटरप्रूफिंग की बात करें तो इसको दो तरह से लगाया जाता है, एक है मेम्ब्रेन के फॉर्म में और दूसरा है फ्लूइड के फॉर्म में। फ्लूइड अप्लाइड मेम्ब्रेन की बात करें तो इसके मेनली दो टाइप होते हैं, कोल्ड अप्लाइड सिस्टम और हॉट अप्लाइड सिस्टम। कोल्ड अप्लाइड सिस्टम जिसमें मेन कंपोनेंट होता है पॉलीयुरेथेन और हॉट अप्लाइड जिसमें मेन कंपोनेंट होता है बिटुमेन। यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी दे दे, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम यहाँ पर स्किल सिविल पे कभी भी किसी वीडियो में टेक्निकल कंटेंट की क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। ऐसे ही नॉलेजफुल सिविल इंजीनियरिंग वीडियोस के लिए स्किल सिविल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। मेम्ब्रेन की बात करें तो जो सबसे लेटेस्ट है वो है TPO,
थर्मोपोलीफिलिन। आजकल सबसे ज़्यादा उपयोग टेरेस पर इसी का किया जाता है क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी है। अगर बात की जाए एपीवी मेम्ब्रेन की तो वो है रबराइज्ड आसफाल्ट, जो अलग अलग थिकनेस में विटामिन के रोल में आता है। आजकल लोग इसको अवॉइड करने लगे हैं क्योंकि इसको लगाने के बाद इसके जंक्शन के पार्ट खुल जाते हैं और लीकेज का कारण बनते हैं। स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट भी इसको लगाने के लिए मना करते हैं। SBR एक सिंथेटिक रबर है जिसका उपयोग रिटेनिंग वॉल की पॉजिटिव साइड पर बखूबी किया जाता है। ये भी आपका सीट के फॉर्म में आता है। कई सारी जगहों पर थर्मोप्लास्टिक का भी उपयोग वाटरप्रूफिंग के लिए किया जाता है, ये भी सीट के फॉर्म में ही आता है। एक होती है हमारी HDPE वाटरप्रूफिंग, जिसे हम लोड सेंसिटिव वाटरप्रूफिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, सिंपली शटरिंग के बाद रेनफोर्समेंट को बांधने से पहले इस लोड सेंसिटिव मेम्ब्रेन को बिछा दिया जाता है, जो कंक्रीट के पावरेंट के साथ उसमें अटैच हो जाता है, जो पानी को पेनिट्रेट नहीं करने देता है। इसके अलावा ट्रेडिशनल वाटरप्रूफिंग में हमारी कोटा वाटरप्रूफिंग आती है। कोटा वाटरप्रूफिंग में इसके जॉइंट्स क्रिटिकल होते हैं, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसमें सीमेंट और पॉलीमर का मिक्सचर यूज़ किया जाता है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए बेसमेंट के रिटर्निंग वॉल में इस तरह की वाटरप्रूफिंग की जाती है। टेरेस के वाटरप्रूफिंग की बात की जा रही हो और उसमें ब्रिकबेड कुबा का नाम न लिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्रिकबेड कुबा एक ट्रेडिशनल वाटरप्रूफिंग मेथड है, जो वाटरप्रूफिंग के साथ थर्मल इंसुलेशन का भी काम करता है। इसका एक मेन डिसएडवांटेज ये है कि ये समय के साथ इफेक्टिव नहीं रहता है। यहाँ पर टाइप्स ऑफ वाटरप्रूफिंग में हमने बहुत सारी बातें की, इसको हम जल्दी से अब रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ से हमने जाना कि पूरी बिल्डिंग में हम एक ही तरह की वाटरप्रूफिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वाटरप्रूफिंग केमिकल की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। अगर हमें डेक स्लैब यानी कि बेसमेंट के स्लैब का वाटरप्रूफिंग करना है तो हम पॉलीयुरेथेन मेम्ब्रेन या तो फिर APP शीट मेम्ब्रेन का उपयोग कर सकते हैं। डेक स्लैब के लिए हम SBR मेम्ब्रेन का भी उपयोग कर सकते हैं। बाथरूम और किचन में 2-coat सीमेंटिशियस वाटरप्रूफिंग बेहतर है। टेरेस के लिए ब्रिकबेड कुबा, TPO मेम्ब्रेन, PU मेम्ब्रेन और APP मेम्ब्रेन का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में बताया गया था, अब हम बेसमेंट के रिटेनिंग वॉल का वाटरप्रूफिंग करके दिखाएंगे। सबसे पहले जहाँ भी वाटरप्रूफिंग करनी है वो सरफेस एरिया को पूरी तरह से क्लीन किया जाता है। बहुत सारी जगहों पर रिटेनिंग वॉल के कंस्ट्रक्शन के दौरान शटरिंग के लिए टायरोड का इस्तेमाल किया जाता है, तो वाटरप्रूफिंग करने के लिए टायरोड को निकाल के उस होल को वाटरप्रूफिंग ग्राउट पाउडर की मदद से भर दिया जाता है। ये ग्राउटिंग पाउडर को बनाने के लिए 25 kg ग्राउट पाउडर में 4 लीटर वाटर को मिक्स किया जाता है। रिटेनिंग वॉल के कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं। अगर किसी जॉइंट पे ऑफसेट बाहर निकल आया है तो उसको प्रॉपरली ग्राउटिंग पाउडर की मदद से फिल किया जाता है। वाटरप्रूफिंग के केस में कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स क्रिटिकल होते हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जॉइंट्स पर चिकन मैश को लगाया जाता है। सरफेस को प्रॉपरली क्लीन करने के बाद इस पर प्राइमर को लगाया जाता है। ये प्राइमर बेसिकली एक तरह का पॉलीमर है, जिसको बनाने के लिए प्राइमर को ग्राउट पाउडर के साथ 1:6 के रेशियो में मिक्स किया जाता है।
प्राइमर को लगाने के लिए रोलर या ब्रश का उपयोग किया जाता है। प्राइमर को सरफेस पर लगाने के बाद 24 आवर्स के लिए इसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। प्राइमर लगाने के एक दिन बाद वाटरप्रूफिंग केमिकल को प्राइमर की गई सरफेस पर लगाया जाता है। वाटरप्रूफिंग केमिकल में पाउडर को लिक्विड के साथ 2:1 के रेशियो में मिक्स किया जाता है। इसे भी सरफेस पर रोलर या ब्रश की मदद से लगाया जाता है। अगर आपको ये फुल प्रैक्टिकल और नॉलेज से भरा हुआ वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और स्किल सिविल चैनल को सब्सक्राइब करें।